नहीं चोर है, चोर है, चोर है। साधु नहीं चोर है, चोर है, चोर है। दलित विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप घोटाले के मद्देनजर श्री गुरु रविदास महाराज जी के धार्मिक स्थान तो मत्था टेक के साधु सिंह धर्मसोत के अहुदे तो बर्खास्त करन नू लेके पंजाब के दुआबा खेतर विच ऑटो रिक्शा ते सवार होके यात्रा शुरू कर दिती है। मीडिया नाल गलबात करते हुए सिमरनजीत सिंह बैंस ने कहा कि दलित विद्यार्थियों का भविष्य बचाउन यात्रा के नारे हेठ ऑटो रिक्शा ते सवार होके यात्रा की शुरुआत की गई। पहला मैं सरदार हरप्रभ महल सिंह तूर साहब का सरदार अवतार सिंह जी डांडिया लोकन साहब पार्टी के तमाम सारे साथियों दोस्तों का मैं ऋणी हाँ। गढ़ शंकर दे विच बड़ा चंगा बुलारा साधु सिंह धर्मसोत के बरखिलाफ बर्खास्तगी लैके जिन्होंने बहुत करोड़ी दलित वीपा राशि का स्कैम किया। अज दा एजिटेशन जिहड़ा असीं फरालगढ़ साहब गुरु साहब की चरण छोह प्राप्त धरती से शुरू कर जा रहे हैं, मत्था टेक के आशीर्वाद लैके एंड आटो रिक्शा दे विच कोई कार च नहीं बैठूगा, कोई मोटरसाइकिल से नहीं, आटो रिक्शा दलित विद्यार्थी का भविख बचाने वाली यात्रा, दलित विद्यार्थी का भविख बचाओ यात्रा। तीन टायर दो पैर साधु तेरी नहीं खैर नारा दिता है। तीन टायर का मतलब आटो या रिक्शा गरीब की सवारी है, दो पैर मतलब मेहनत कश लोग पात्र लोग। सो असी दलित बस्तियाँ दुआबा इस करके शुरू किया क्योंकि मजोरिटी संघड़ी वसों दलित आबादी दुआबा दे विच आ। यतन करांगे कि असी जिन्ने मजोरिटी दलित बस्तियाँ वाले पिंड कस्बे महल उन्हां च जा के लोगों नूं यूनाइट करके जागरूक करते हुए कांग्रेस का बायकाट करो, मजबूरी बना दो कांग्रेस की कि साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करके CBI की जांच कराओ। 310 करोड़ रुपया केंद्र तो वीफा राशि ले आया पाया वो तुरंत जारी करो। 100 करोड़ रुपया नवीं एडमिशन वास्ते 210 करोड़ रुपया मेंटेनेंस अलाउंस दलित विद्यार्थियों का 2015 तो 2018 तक। सो ये यात्रा जिहदा मकसद हैगा कि लोगों को यूनाइट करके कैप्टन हकूमत दीआं लुट्टां खोहां दे विरुद्ध इकट्ठे करके साधु सिंह धर्मसोत की बर्खास्तगी केंद्र के फंडा का कपड़ा होने कारण CBI की जांच। सो मैं उम्मीद हैगी है कि असी अपने इस मिशन के बड़ी वड्डी पद्धर से लोगों नाल लैके सरकार के उत्ते दबाव बनाने से कामयाब हो। सर जी समाप्ति किसन कर रहे समाप्ति दी असी स्टार्ट करना फरालगढ़ साहब गुरु रविदास साहब की धरती मत्था टेकन तो बाद पोजेवाल तो शुरू करना, समाप्ति करनी है बरनाला कलां। रखा शाम को 6 या 7 बज जाएंगे। दोपहर का प्रशादा वो किसी दलित वीर के घर रखा। रात को मेरे समेत मेरे सारे साथी दलित विद्यार्थियों के घर सौवेंगे। असी 10 दिन घर नहीं जाना। असी दलित विद्यार्थी जिन्हों के 3-3, 4-4 साल तो डिग्रिया के सर्टिफिकेट नहीं मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं दे रहे, कहते पैसे नहीं आए, जिहड़े वो पीड़ित विद्यार्थी जिहड़े जलील हो रहे कॉलेजों के दलित वजीफा स्कीम तहत पढ़ते हैं उन्होंने घर सौण का प्रोग्राम बनाया 10 दिन ता जो असी वध तो वध दलित समाज को इकट्ठा करके जागरूक कर सकते। साडा पहला पड़ा हैगा है, पहले पड़ा दे विच 4 हल्के रखे है, नवांशहर, दूसरा दिन जलंधर, तीसरा दिन फगवाड़ा, चौथा दिन फलौर। फिर दूजे पड़ा दे विच माझे दे 4 हल्के रखे है, तीजा पड़ा मालवे का जिहड़ा कि असी डिसाइड करांगे उत्थे घट्टो घट 10-12 दिन क्योंकि मालवा रीजन वड्डा। मजोरिटी दलित वसों संघणी वसों वाले जिहड़े इलाके असी सब तो पहला उन्हां इलाकियां दे विच जाके जिहड़ी कांग्रेस सरकार का बायकाट एक दबाव के प्रैशर भी साधु सिंह धर्मसोत बर्खास्त हो गए। दोस्तों जे एडा वड्डा कपड़ा करन दे बावजूद मंत्री बर्खास्त ना होया तो एक बैड मैसेज है, दलित विद्यार्थी भविख दे विच नहीं इस स्कीम का लाभ लै सकणगे, नामुमकिन आ। ते जे हुण कपड़ेबाज मंत्री टंगिया गया तो किसी की जरूरत नहीं भविख दे विच इस वीफा राशि वाल कोई एक पैसे का गबन भी कर दिया। तो असीं इस वास्ते खेती ऑर्डीनेंस का जो इस वे पूरे स्टेट के छाया हुआ
सुनो गल मेरी, असीं जिथे किते धरना लग्या सब तो पहला लोक इंसाफ पार्टी ने पंजाब दे अंदर जे खेती सुधार ऑर्डीनेंसां दा विरोध पंजाब अंदर ते सब तो पहला लोक इंसाफ पार्टी तो आम लोगों नूं नहीं जानकारी सी। असीं जलियांवाला बाग तो सीएम रेजिडेंस तक 300 किलोमीटर लंबा साइकिल रोस यात्रा, 5 दिन असीं सड़कां ते रहे, टेंट लगे सी सौंदे दी सड़कां दे उत्ते सी। असी अज इस गल की प्राप्ति मनते हैं लोक इंसाफ पार्टी की, असी इन्ना ब्रोशर बंडिया पैंपलेट बंडिया लोगों नूं कन्विंस किया भी भाई ये पंजाब का किसान ते आर्थिकता खत्म हो जानी है जे खेती सुधार ऑर्डीनेंस कानून का रूप धारण कर गए। एंड असी डिमांड की कि विधानसभा जी स्टैचरी बॉडी आ उत्थे प्रस्ताव लियाओ इन्हां ऑर्डीनेंसां नूं रद्द करो। साडी सफलता कांग्रेस हुकूमत नूं मजबूरी बस प्रस्ताव लिया के रद्द करने पे। अज सब तो पहला पंजाब के अंदर जो किसानों ने अंदोलन की शुरुआत की तो लोक इंसाफ पार्टी ने सपोर्ट किया, साढ़े फरीदकोट फिरोजपुर मोगा पटियाला साड़ी पार्टी के सारे यूनिट माझा के अंदर किसानों के नाल धरनिया बैठे आ। मैं फिर इंश्योर करदा साढ़े कोल बहुत वड्डा पद्धर से मटीरियल नाल खेती सुधार ऑर्डीनेंसा के पंजाब के उत्ते दुरप्रभाव की पैने वो साढ़े कोल आ। जिथे किसानों का रस्ते दे विच कोई धरना लग्या उत्थे मेरे समेत सारे साथी उस धरने नूं भी असीं बैठ के सपोर्ट करांगे, क्योंकि खेती सुधार ऑर्डीनेंस तूतां वाला खूह नावल की तरह ते आ। जिवें एक शाहूकार किसान की जमीन अधिग्रहण करने वास्ते हड़प्पण वास्ते की कुछ करता है, ये खेती सुधार ऑर्डीनेंस तुसीं 5-7 सालां च देखोगे जे कानून बन गया तो 80% पंजाब का किसान बेजमीना कर देना। किसान की मजबूरी होएगी कि वह कारपोरेट के कोल खेती मजदूर बन के काम करेगा। सो असी किसी भी कीमत के उत्ते खेती सुधार ऑर्डीनेंस लागू नहीं होने देवे। जिथे किसान जथेबंदियां खेत मजदूर जथेबंदियां दलित वीर कितने धरना ला के बैठे होंगे असी खुद उस धरने के शमूलियत करा। एक मन दो मैं उन्होंने बेनती की मंत्री जी फिर तुम सीएम साहब को कहो भी CBI की जांच कराओ, क्योंकि ये कपड़ा उजागर असी नहीं किया, किसी अपोजिशन लीडर ने नहीं किया। ये कपड़ा एक सीनियर IAS अफसर ने अपनी लिखित सैकड़े पेजा की रिपोर्ट वो सरकार को भेजी है। वो सीनियर IAS अफसर अडिशनल चीफ सैकटरी आ, अडिशनल चीफ सैकटरी तो बाद सिर्फ इको ही पोस्ट चीफ सैकटरी की बाकी आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जे दोबारा चीफ सैकटरी तो जांच करवानी सी, मेरा ख्याल सारे मेरे न सहमत होवोंगे, उदों तक मंत्री सस्पेंड करना बनता सी कि नहीं बनता सी, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਾਂਚ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਭਾਈ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਸਮਿਸ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ, ਬੀਜ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਪਸਮ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।